बॉबी देओल इस समय रेस 3 फिल्म को लेकर इसलिए चर्चे में हैं क्योंकि उनकी शर्टलेस तस्वीर सलमान खान के बॉडी को टक्कर दे रही है। शानदार री एंट्री बॉबी ने बॉलीवुड में की है। बॉबी की बात करें उससे पहले आपका ध्यान उनके जवान बेटे की तरफ ले जाना चाहते हैं क्योंकि आर्यमन पिछले दो दिनों से ट्रेंड चल रहे हैं और लड़कियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। आर्यमन नाम में ही जैसे स्पेशल अपीयरेंस की झलक हो। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बॉबी के आर्यमन को स्पॉट किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्यमन बॉलीवुड में देओल परिवार का नाम रोशन करेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि पिता और बेटे ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जी हाँ, बॉबी ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया के इस दौर में वो दूर होती जा रही है। मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो फिल्मों में आना चाहते हैं या नहीं। बता दे कि आर्यमन की एज मात्र 17 साल है। अगर इस हैंसम ने बॉलीवुड में आने का फैसला किया तो तबाही मचेगी। जरा देखिए तो आर्यमन बिल्कुल अपने दादा धर्मेंद्र की तरह दिख रहे हैं। हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमें सब्सक्राइब। बॉबी देओल इस समय रेस 3 फिल्म को लेकर इसलिए चर्चे में हैं क्योंकि उनकी शर्टलेस तस्वीर सलमान खान के बॉडी को टक्कर दे रही है। शानदार री एंट्री बॉबी ने बॉलीवुड में की है। बॉबी की बात करें उससे पहले आपका ध्यान उनके जवान बेटे की तरफ ले जाना चाहते हैं क्योंकि आर्यमन पिछले दो दिनों से ट्रेंड चल रहे हैं और लड़कियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। आर्यमन नाम में ही जैसे स्पेशल अपीयरेंस की झलक हो। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बॉबी के आर्यमन को स्पॉट किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्यमन बॉलीवुड में देओल परिवार का नाम रोशन करेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि पिता और बेटे ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जी हाँ, बॉबी ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया के इस दौर में वो दूर होती जा रही है। मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो फिल्मों में आना चाहते हैं या नहीं। बता दे कि आर्यमन की एज मात्र 17 साल है। अगर इस हैंसम ने बॉलीवुड में आने का फैसला किया तो तबाही मचेगी। जरा देखिए तो आर्यमन बिल्कुल अपने दादा धर्मेंद्र की तरह दिख रहे हैं। हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमें सब्सक्राइब।